राज्य के हित की बात अगर हम करें, जनता के हित की, तो कोई कठिन काम नहीं है। कोई भी अगर सरकार चलती है, चाहे सिंगल पार्टी वाली सरकार हो, मेजॉरिटी वाली, या अलायंस वाली सरकार हो, गठबंधन वाली, चाहे उस गठबंधन में दो पार्टियां हो या 25 पार्टियां हो, सरकार तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है। और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है वो राष्ट्र के और राज्य के हित की बात करने वाला प्रोग्राम होता है। वो कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लेकर तो काम नहीं करते थे। और महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्रेस हमेशा आगे रहा है सब क्षेत्रों में। कुछ बातें हैं, अभी अकाल है, सूखा आता है, बारिश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर काम ज्यादा करना पड़ेगा। सर, शिवसेना का सीएम 5 साल का होगा या अभी भी एनसीपी के साथ 2.5-2.5 साल के सीएम होंगे? हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल में शिवसेना का सीएम रहे। अब 5 साल की बात क्यों करते हैं? लेकिन हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि मैं वापस आऊंगा। हमको महाराष्ट्र में रहना है। राज्य के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कायम है। ये रिश्ता टेम्पररी नहीं है, 5 साल का नहीं है। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है। 50 साल से हम इस राज्य के राजनीति में हैं, तो हमको महाराष्ट्र में रहना है और हम राज्य में ही रहेंगे। हम आते जाते नहीं रहेंगे अब सत्ता में, हम सत्ता में ही रहेंगे। सर, एक फॉर्मूला आ रहा है सामने कि शिवसेना के पास सीएम के अलावा 14 मंत्रालय, कांग्रेस को 12 मंत्रालय और एनसीपी को 14 मंत्रालय, इस तरीके को 14-14-14 फॉर्मूला की चिंता किसी ने करने की जरूरत नहीं। उद्धव ठाकरे साहब सक्षम है, वो करेंगे। 24 तारीख से मैं और उद्धव ठाकरे साहब हमेशा ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। शिवसेना के नेतृत्व, जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के नेतृत्व में ही बनेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।